वालेकुम फाइव क्लास, आज हमने 17 मई का काम करेंगे, ठीक है। 1.9 हमने कंप्लीट की थी लास्ट वीक में, आज हमने उसकी ऑब्जेक्टिव करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसकी जो हमने क्वेश्चंस वो नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे। 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैज बीन गिवन इन सर्कल द करेक्ट वन। वन देखें, इन फर्स्ट देखें, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स फ्रॉम राइट डिजिट। 3 डिजिट्स के बाद, ठीक है, 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा लगाते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, 1 के साथ आगे 0, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 1 बिलियन, ये है, क्योंकि देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, 1,000,000,000, ठीक है। 4 देखें, 3 × 44, ये इसको इधर देखें, पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। 3 × वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में है 44 / 4, तो 11 आएगा माइनस 6। उसके बाद बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक मल्टीप्लाई को करना है 33 - 6, 33 में से माइनस कर दें 6 को, 27 आएगा आपके पास, ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब आ जाइए अपने नोट्स में से पेज नंबर 19 पर, आ जाइए 2.1 स्टार्ट करेंगे। पहले फाइंड करना है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है वो उसका एलसीएम के जरिए फाइंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, 16, 24, 48 का एलसीएम फाइंड करना है। 16, 24, 48 इनके ये फैक्टर्स हैं, जो कॉमन आएगा उसको आपने सर्कल कर देना है। फिर लिखना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16, 24, 48, जो जो कॉमन आ रहा होगा आपने उसको लिख लेना है, ठीक है। एक दफ़ा जिस तरह ये 2 कॉमन आ गया, इसको सर्कल किया हुआ, ये एक दफ़ा 2 लिख दिया, फिर ये कॉमन आ रहा है इसको सर्कल किए, एक दफ़ा 2 लिखना है, इस 2 को भी एक दफ़ा लिखना है। फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना, मतलब मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज हमने 2.1 में फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से 2 क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी आपने खुद करने हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट किया हुआ है, 20, 24, 48 हमने क्या फाइंड करना है, इसकी एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले आप 20 का लें एलसीएम, 20 का एलसीएम लें पहले, सबसे पहले छोटे टेबल पर लेना आपने, ठीक है। 2 × 1 = 2, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, ये 20 के फैक्टर्स आ गए। अब आपने फाइंड करना है 24 का एलसीएम। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3, ठीक है। अब 48 का आपने लेना है एलसीएम। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। ये तीनों नंबर्स के हमने डिजिट्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब आपको लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। क्या हैं इसके फैक्टर्स? 2 × 2 × 5। फिर आप लिखना है P.F लिख लें, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। 24 के हैं 2 × ये हैं फैक्टर्स, ये वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 3। इधर आ जाएँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब कॉमन फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये 2 ही कॉमन आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 24 एंड 48 क्या आ रहा है आपके पास? 2 × 2 प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, 2 × 2, और इसका आंसर क्या आ गया? 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट किया है यहाँ पे, 25, 30 एंड 35। इसके पहले आप फैक्टराइजेशन करें। 25 है, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 1 = 5। 30 है, 2 × 1 = 2, 1 कैरी आ गया, 10 बन गया, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। 35 है, 5 × 7 = 35 एंड 7 × 1 = 7। फिर लिखना आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35। इसके क्या हैं? 5 और 5। इसके हैं 2, 3 एंड 5, इसके 5 एंड 7। तो आपके पास कॉमन फैक्टर्स कौन से बनेंगे? एक ये 5, यहाँ से ये 5 और ये 5, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25, 30 एंड 35 इज इक्वल टू 5, और आपके पास आंसर भी यही है, ठीक है। एचसीएफ क्या है इसका?
प्रोडक्ट ले नहीं सकती क्योंकि कॉमन फैक्टर ये का है, तो इसका HCF 5 है। ठीक है, आपने पहले 4 सवाल आज करने हैं अपनी नोटबुक पर, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है।